बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और अब वक्त है छत्तीसगढ़ के चुनावी महासंग्राम पर नजर डालने का। छत्तीसगढ़ से चुनावी महासंग्राम का समर मतदाताओं के मताधिकार के साथ खत्म हो गया। प्रदेश में करीब एक महीने तक चले तमाम पार्टियों के धुआंधार प्रचार का निचोड़ ईवीएम में बंद हो गया है। प्रदेश की जनता किसे सूबे की सत्ता की चाबी सौंपेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा, इसका फैसला 3 दिसंबर को होगा जब वोटों की गिनती होगी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 सीटों पर हुए मतदान के अभी तक के मिले आंकड़ों के मुताबिक 68.15% वोट पर, जिसमें सबसे ज्यादा धमतरी जिले में 79% से ज्यादा वोटिंग हुई, जबकि रायपुर जिले में सबसे कम करीब 58.83% मतदान दर्ज किया गया। शाम 5 बजे वोटिंग का समय खत्म हो गया, लेकिन कई मतदान बूथों पर 5 बजे के बाद भी मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली, जिसे देखते हुए मतदान प्रतिशत के कुछ और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अभी तक के आंकड़ों पर भरोसा करें तो इस बार पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज में कमी देखने को मिली है। पिछली बार साल 2013 की अगर बात करें, 18 से पहले 2013 में 77.45%, जबकि 2018 में 76% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 68% से कुछ ज्यादा वोटिंग के आंकड़े सामने आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कोई स्ट्रेचर पर, कोई व्हीलचेयर पर बैठकर पोलिंग बूथ तक पहुंचा है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अब 3 दिसंबर को ये पिटारा खुलेगा, तस्वीर सामने आएगी और ये पता चल जाएगा कि किसे बनाया है सत्ता का सरताज। ये देखिए उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीर, हौसला देने वाली तस्वीर, जहां एक बुजुर्ग महिला, उम्रदराज महिला व्हीलचेयर पर बैठकर अपने पोलिंग बूथ तक पहुंची और तमाम युवाओं के लिए एक नजीर पेश की कि वो भी घर से बाहर निकले और वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे। और देखिए इन बुजुर्ग महिला को, जिन्होंने अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया। और ऐसे ही तमाम और दूसरी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहाँ तमाम युवाओं को आप देख सकते हैं जो अपने अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपना वोट कास्ट किया। और किसको पहनाई है जनता ने जीत की माला, ये साफ हो जाएगा 3 दिसंबर को जब आएंगे नतीजे और पता चलेगा कि किसकी किस्मत की चाबी खुल गई है और किसका जनता ने किसकी दुकान बंद कर दी है। तो 3 दिसंबर को ये पिटारा खुलेगा, तस्वीर खुलेगी। आज भाग्य का फैसला जनता ने कर दिया है ईवीएम का बटन दबाकर। 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे अपने मताधिकार की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए। आम जनमानस की तरह कतार में खड़े हुए, बारी का इंतजार किया और फिर अपना वोट दिया और 75 पार के दावे पर अड़े हुए दिखाई दिए भूपेश बघेल। इसके अलावा और वीवीआईपीज की तस्वीरें भी सामने आई जहां पर सब जो वीवीआईपीज हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ का सरताज कौन होगा? क्या जनता एक बार फिर भूपेश बघेल पर विश्वास करेगी या फिर कमल का फूल खिलेगा? या कुछ ऐसे भी चेहरे होंगे जो भले ही सरकार ना बना पाए लेकिन सरकार किसकी बनेगी इसमें निर्णायक भूमिका तय करेंगे? क्या ऐसा इस बार होगा? देखना दिलचस्प होगा और ये साफ हो पाएगा, पूरी पिक्चर सामने आ पाएगी 3 दिसंबर को। महामुकाबला कहां कहां किसके बीच हुआ वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, चाहे बात छत्तीसगढ़ की कर ले, चाहे बात मध्य प्रदेश की कर ले। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, बताएंगे कि कौन से ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर मतदाता बूथ पर पहुंच गए थे, 5 बजे का समय हो चुका था लेकिन क्योंकि वो अपनी कतारों में खड़े थे तो ऐसे में उनको वोट डालने दिया गया, क्या वो भी पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है? और हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे वहां का हाल बताने के लिए। रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं युगल तिवारी हमारे सहयोगी, ममता लांजेवार दुर्ग से लाइव जुड़ चुकी है हमारे साथ,
उमेश मौर्य बिलासपुर से और अंबिकापुर का हाल बताने के लिए आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले युगल मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि रायपुर से जो आंकड़े सामने आए हैं वो डिसअपॉइंटिंग है। तो लगता है युगल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई है। आकाश शुक्ला का रुख कर लेते हैं। आकाश, अंबिकापुर भी एक हाई प्रोफाइल सीट, वहां का क्या हाल रहा जरा बताएं। देखिए, अंबिकापुर में तो जो उत्साह था, सुबह 8 बजे से लोग मतदान में जुड़ गए थे और लगातार वो भीड़ देखी जा रही थी। युवाओं से लेकर महिलाओं तक, बुजुर्गों तक एक अलग अलग तस्वीर देखने को मिली। लेकिन जैसे ही शाम होते गया, धीरे धीरे भीड़ कम होते गई, लेकिन वोट परसेंटेज यहाँ देखे तो 65% से अधिक मतदान अंबिकापुर में हुए हैं। लास्ट 5 बजे जब वोटिंग का समय चल रहा था तो आदर्श मतदान केंद्र जो अंबिकापुर का है, 10 से 15 लोग ऐसे थे जो जहां पर नंबर नहीं, उनके बूथ क्रमांक को लेकर असमंजस की स्थिति थी, ऐसे में वो वोटिंग नहीं कर पाए। ऐसे ही दर्जनों और लोग थे जो वोटिंग नहीं कर पाए। इसकी मौखिक शिकायत उन्होंने प्रशासन के पास कर रहे थे, लेकिन किसी तरीके से जवाब नहीं मिल रहा था। ऐसे में लोगों में आक्रोश थोड़ा सा देखा गया, लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरी स्थिति को देखें, विधानसभा की स्थिति को देखें, तो बेहतर तरीके से मतदान हुआ, उत्साह के साथ मतदान हुआ। यहां पर मुख्यमंत्री TSC देव कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं राजेश अग्रवाल है जो भाजपा से, तो सीधी टक्कर देखी जा रही थी। दो नारे यहां पर चल के आ रहे थे, एक तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, दूसरा अब नहीं सही बो बदल के रही बो। तो अपने अपने स्तर पर कार्यकर्ता भी इसको प्रचार करते दिखे, लेकिन वोटर कहीं ना कहीं साइलेंट थे। वोटर बदलाव के मूड में थे। अब वो बदलाव क्या होने वाला है वो 3 तारीख को ही पता चल पाएगा, जब रिजल्ट आएगा विधानसभा का। तो ऐसे में देखना होगा कि अब किस तरीके से बदलाव जनता लाती है, क्योंकि अब बूथ में वोटिंग खत्म हो चुका है। आकाश, लौटेंगे आगे भी आपके पास, जरा उमेश का रुख कर लेते हैं। उमेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी उमेश, आज दिन भर की ओवरऑल रिपोर्ट क्या रही बिलासपुर की? देखिए, बिलासपुर में मतदान का जो प्रतिशत है वो 61.43, 5 बजे का ये अनुमानित जो है वो रिपोर्ट अभी आया हुआ है। और अभी भी जो मतदान केंद्रों में जो है वो मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए लाइन में अभी भी खड़े हुए हैं। जैसे कि मैं बता दूं, मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के मानिकपुर की बात करें, इसके अलावा जो ढेका है ग्राम पंचायत, वहाँ उन केंद्रों में अभी भी जो है मतदान का दौर जो है वो जारी है। चूँकि 5 बजे के बाद ये जो मतदाता है वो कैंपस के अंदर आ चुके थे, लिहाजा इन्हें एक टोकन दिया गया था जिससे ये अपने मतदान मत का अपना प्रयोग कर सकते थे। अगर बिलासपुर जिले के 6 विधानसभा की बात करें तो बेहद ही दिलचस्प मुकाबला यहां पर रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस बार भी बेहद दिलचस्प मुकाबला रहा है। सारे राजनीतिक दलों ने पूरी दमखम के साथ जो है जनता के बीच पहुंचे थे और अपने अपने मुद्दों को लेकर वो लोगों से रूबरू हुए थे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश किए थे। आज जो पूरे एक हफ्ते तक के पार्टी के जो नेता है वो माहौल बनाते दिखे, तो वहीं आज जो जनता है वो साइलेंटली वोटिंग करके जो नेता है उनको बिल्कुल सत्ते पर खड़ा कर दिया है। कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर बना हुआ है कि अगला जब रिजल्ट होगा तो क्या होगा। फिलहाल जो ईवीएम में जो है प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो कैद हो चुकी है। 3 दिसंबर का इंतजार है जब ईवीएम खुलेगा, 3 तारीख को पिक्चर साफ हो जाएगी। और ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है लांजेवार दुर्ग से। ममता, मैं आपका रुख करूं, उससे पहले जरा एक बार राजधानी का रुख कर लेते हैं। रायपुर की बात कर रहे थे हम युगल, उस वक्त आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी मेरी, लेकिन जरा रायपुर की हम बात ये कर रहे थे कि जो रायपुर से आंकड़ा निकल कर सामने आया है वो काफी डिसअपॉइंटिंग है, निराश कर देने वाला है। लगता है इस बार भी युगल तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। ममता, आप ही का मैं रुक कर लेती हूं। जी ममता, आप बताएं, दुर्ग की रिपोर्ट बताएं, क्या है दुर्ग का हाल? हाँ, आ रही है, आ रही है।
देखिए बिल्कुल दुर्ग संभाग अगर हम बात करें तो दुर्ग जिले की जो सीटें हैं वो खासतौर पर काफी हाई प्रोफाइल थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से लड़ रहे थे और उनके भतीजे जो हैं विजय बघेल यहां से लड़ रहे थे, ताम्रधर साहू यहां पर खड़े थे, देवेंद्र यादव जो वो यहां पर खड़े हुए थे। और अगर पूरे ओवरऑल संभाग की बात किए तो अनिला भेड़िया, रुद्रगुरु, ये तमाम लोग जो है वो चुनाव यहां पर लड़ रहे थे, प्रेम प्रकाश पांडे लड़ रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें तो दुर्ग संभाग की बात करें तो पाटन में से अगर शुरुआत करें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो विधानसभा क्षेत्र है तो शुरू में 9 बजे के जो आंकड़े निर्वाचन आयोग ने दिए थे 5.78% तक की, उसके बाद जो वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा तो वो जाकर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो 75.54% पे 5 बजे तक के जो 5 बजे वहां तक लोग अंदर हो चुके थे और लगातार कतारें अभी भी अगर हम बात करें तो पूरी तरह से कुछ सेंटर जो है वहां पर वोटिंग हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये अपने आप में काफी उत्साहजनक था और अवेयरनेस बताता था पाटन जबकि ग्रामीण इलाका है। दुर्ग में भी रूरल जो है वहां पर भी अगर बात करें तो वहां पर करीबन जो है वो 62% वोटिंग हुई है और इसके साथ ही वैशाली नगर और जो शहर है भिलाई नगर है यहाँ पर और अगर बात करें तो अहिवारा, ये तमाम जगह है तो बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। तो बहुत अच्छी वोटिंग है उन तमाम इलाकों में हुई है जिनका नाम आप बता रही हैं। ममता, लौटूंगी आपके पास युगल का, एक बार फिर हम युगल से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। युगल, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल रितु। तो युगल बता दीजिए रायपुर का हाल। जी देखिए, पूरे प्रदेश भर में 68.1% मतदान हुआ है। अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर शहरी क्षेत्र है, जो ग्रामीण अंचल है, जिस तरह से दुर्ग में हुआ मतदान, जिस तरह से गरियाबंद में हुआ, रायगढ़ में मतदान का प्रतिशत काफी अधिक रहा है, खरसिया में खास करके अधिक हुआ, तो उसके बनिस्पत अगर हम बात करें तो रायपुर के चारों विधानसभा सीट में वोटों का प्रतिशत है उतना अधिक नहीं जा पाया है। हालांकि अभी 3 से 5% और भी वोटों में इजाफा होगा, ये टेंटेटिव आंकड़े जो अभी आए हुए हैं और उसके बाद ये वोटों के प्रतिशत में इजाफा जरूर होगा। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में ग्रामीण अंचलों के जो लोग हैं वो लगातार मतदान करते हैं, बिल्कुल अपनी आहुति देने के लिए सुबह से लेकर के शाम तक जुटे रहते हैं। अभी भी प्रदेश के कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर लोगों की भीड़ है, मतदान अंदर से किया जा रहा है, उनको टोकन दिया जा रहा है, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अभी 3 से 5% और भी वोटिंग का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा और ये आंकड़ा कल 12 बजे तक है वो तय हो पाएगा। कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र भी हैं जिनके जो मतदान दल वापस आएंगे तो उनके कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो इसलिए जो वोटों का जो प्रतिशत है वो कल 12 बजे तक ही पता चल पाएगा। लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व, आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहनत आज आप दिन भर की है या पूरे चुनाव के मौसम में लगातार करते रहे और आपके जरिए ही, आप तमाम लोगों के जरिए ही हम अपनी हर एक रिपोर्ट और हर एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा पाने में कामयाब रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हुए दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान गरियाबंद में नक्सलियों ने मतदान दल पर हमला किया। इस दौरान आईटीबीपी के एक जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने बड़े गोबरा मतदान केंद्र के पास आईईडी ब्लास्ट किया जिसकी चपेट में आए जवान गंभीर रूप से वो घायल हो गए। उन्हें आनंद फानंद में मैनपुर अस्पताल ले जाया गया जहां जवान ने दम तोड़ दिया। हमला मैनपुर थाना क्षेत्र के अति संवेदनशील मतदान केंद्र गोबरा में हुआ। नक्सली हमले में शहीद जवान योगेंद्र कुमार जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। इस हमले के बाद बूथ पर मौजूद मतदान दल को दूसरे रास्ते सुरक्षित जिला मुख्यालय तक पहुंचाया गया। उधर पुलिस ने विस्फोट के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। पुलिस वाले बताए जवान घायल हो गए उनके और हम 4 बजे एम्बुलेंस भेजे हैं और एम्बुलेंस से फिर यहाँ लाए तो यहाँ हम देखे तो जवान की मृत्यु हो चुकी थी। एक ही जवान थे। उसका जवान का नाम जोगेंद्र कुमार था। सर चोट कहाँ लगी थी? कि चोट सिर में लगना प्रतीत हो रहा है और पैर में भी लगा है। सर गोली भी लगी थी क्या? नहीं, गोली का कोई असर अभी। द्वितीय चरण का मतदान चल रहा था, इसी दौरान 3 बजे जब मतदान खत्म हुआ उसी दौरान सर्चिंग पर निकली जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया है। ये हमला बड़े गोबरा के पास हुआ है। इस वक्त हम मैनपुर हॉस्पिटल में मौजूद है जहाँ घायल जवान को लाया गया था और वो शहीद हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मैनपुर से, किसे लगे बड़े गोबरा का ये पूरा हादसा है और यहाँ नक्सलियों ने हमला किया है। हालांकि अधिकारियों ने इसकी ज्यादा जानकारी नहीं दी है कितने नक्सली थे और विस्फोट होने की जानकारी मिल रही है और इस
इस हमले में एक जवान शहीद हो गया है, जोगेंद्र उनका नाम, शहीद का नाम बताया जा रहा है। और इसके बाद देखिए कि मैनपुर हॉस्पिटल में जो शहीद है उसके शव को गरियाबंद भेजाया गया, रवाना किया गया। और ये बड़ी खबर हम मैनपुर पहुंचकर आपको बता रहे हैं, और इस वक्त की यही बड़ी खबर है जहां मतदान दल पर नक्सलियों ने हमला किया। हालांकि मतदान दल वहां से सुरक्षित निकल गए, लेकिन सर्चिंग पर निकले जवान जो है एक घायल हो गए इस हमले में। और इस हमले के बाद से ही पूरे इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। आधिकारिक तौर पर घटना को लेकर कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बड़े गोबरा में जो मतदान केंद्र है वहां जब मतदान खत्म हुआ इसी दौरान सर्चिंग पर निकली जो टीम है उस पर ये हमला हुआ है, विस्फोट किया गया है। इस विस्फोट में एक जवान शहीद होने की खबर मिली है। और ये जो मैनपुरी इलाका है यहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर बड़े गोबरा है, अति नक्सल संवेदनशील इलाकों में से है। और बिंद्रानगर में 9 नक्सली क्षेत्र थे जहां अति संवेदनशील इलाके से घोषित किए गए थे। और आज मतदान के दिन ये बड़ा हादसा हो गया। और कितने नक्सली थे और वहां पर विस्फोट होने के बाद क्या फायरिंग हुई, कितने जवान वहां पर निकले थे, ये अभी आधिकारिक तौर पर हमें जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इस हादसे में, इस हमले में एक जवान शहीद हो गया है। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। गरियाबंद में भले ही नक्सलियों ने वोटिंग के दौरान अपनी नापाक हरकत दिखाई, इसके बावजूद जिले के आम लोगों का मतदान को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ। जिले के दुरहू घोर नक्सली क्षेत्र में भी वोटर्स पूरे जोश में नजर आए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नक्सली दहशत के बीच न्यूज 18 की टीम छत्तीसगढ़ और गरियाबंद जिले के अंतिम छोर अति घोर नक्सली क्षेत्र आमा मोरा पहुंची, जो 1200 फीट ऊंची पहाड़ी पर बसा है, जहां चप्पे चप्पे पर जवान तैनात थे। यहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। बात बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा के 9 अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र की जाए तो अमामोरा ओढ़ में दोपहर 3 बजे तक वोटिंग खत्म हुई। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा के 9 अति संवेदनशील इलाकों में से एक आमामोरा में इस वक्त मौजूद है, जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, 1200 फीट इसकी ऊंचाई है। और यहाँ भयमुक्त माहौल में मतदाता मतदान करने पहुंचे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप देखिए लोग किस तरह हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ 15 सालों बाद जो मतदान दल है काफी चुनौतियों को पार कर सड़क मार्ग से आए हैं, इनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है इनकी सुरक्षा के लिए। और ये घोर नक्सली बिहड़ इलाका है, ये छत्तीसगढ़ और गरियाबंद का अंतिम गाँव है। और इस अंतिम गाँव में न्यूज 18 की टीम पहुंची है। तमाम मतदाताओं की आप खुशी देखिए, काफी खुश है ना आप लोग, और काफी खुश हैं ये। मैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनसे यहां पर बात नहीं कर पा रहा हूं। घोर नक्सली क्षेत्र है, प्रभावी इलाका है, और 1200 फीट नीचे इलाका से ऊपर है। हम भी कभी कई मुश्किलों को पार कर पहुंचे हैं, हेलीकॉप्टर से यहाँ आते थे, और इस बार सड़क मार्ग से जो है मतदान दल पहुंची, हम भी पहुंचे और यहाँ लोगों से बात किए तो तमाम जो वोटर्स हैं, तमाम जो मतदाता हैं, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। छत्तीसगढ़ में हुए दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान बलरामपुर जिले में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। जिले के बचावर गांव में मतदाता दुरहू रास्तों से 10 किलोमीटर तक पैदल चलकर मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल किया। गांव वालों ने पहाड़ी और जंगली रास्तों से कठिन रास्तों पर चलकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। छत्तीसगढ़ में हुए दूसरे चरण के वोटिंग के दौरान जांजगीर चांपा जिले में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। युवाओं के साथ बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर जोश नजर आया। जिले के जाय वाल्यादेव नवीन कन्या महाविद्यालय में बने मतदान केंद्र पर 101 साल के बुजुर्ग जगबंधु नंद वोट डालने पहुंचे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से एक युवक छत्तीसगढ़ पहुंचा। रायपुर निवासी विक्रम नायक ने ऑस्ट्रेलिया से आकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दिया। विक्रम नायक पूर्व राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक के बेटे हैं। विक्रम
ने रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में अपना वोट डाला। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 700 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से रायपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र में से एक, उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 201 पोलिंग बूथ, हैप्पी पोलिंग बूथ और आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। इस मतदान केंद्र की खास बात यही रही कि इसमें बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगाए गए। मध्य प्रदेश में मतदान खत्म हो चुका है, प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब प्रत्याशी के पास भगवान की शरण में जाने और उनसे प्रार्थना करने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। प्रत्याशी अब मंदिरों और बाबाओं के दर पर जाकर जीत की प्रार्थना करेंगे, तो पहले भी करते आ रहे हैं लगातार प्रत्याशी, और जीत के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे अगर ये कहा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और देखिए किस तरह से चप्पल खाने में भी यहाँ गुरेज नहीं है, क्योंकि ये प्रत्याशी है, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। फकीर बाबा से मार खा रहे ये शख्स हैं पारस सखलेचा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रतलाम से। ये वीडियो सामने आया है, ये एक फकीर हैं जो उन्हें चप्पल मार रहे हैं और बाबा ने चप्पलों की बरसात पारस सखलेचा पर कर दी। और अब आपको दिखाते हैं मतदान से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ दूसरे चरण में मतदान, धमतरी में सबसे ज्यादा, बिलासपुर में सबसे कम हुई वोटिंग। रायपुर में वोटिंग करने के लिए एक वोटर ऑस्ट्रेलिया से पहुंचा, उत्तर विधानसभा क्षेत्र में किया मतदान। बलरामपुर में मतदान के लिए 10 किलोमीटर तक चले पैदल, पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग पैदल चलकर पहुंचे पोलिंग बूथ। जांजगीर चांपा जिले में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा, खल्लारी विधायक द्वारकाधीश यादव ने परिवार सहित किया मतदान। रामपुर विधानसभा के कोरकोम गांव के मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह, तेज धूप में घंटों खड़े रहे मतदाता। मुंगेली में दिखी लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर, विवाद के बाद एक साथ नजर आए प्रत्याशी। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में की वोटिंग, 75 पार का किया दावा, पाटन से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दुर्ग में दिखा सीएम भूपेश बघेल का सहज अंदाज, वोटिंग के लिए कतार में अपनी बारी का किया इंतजार। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने किया मतदान, लोगों से अपील भी की, अंबिकापुर से उम्मीदवार। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने किया मतदान, शेफर्ड स्कूल मतदान केंद्र पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष। सूरजपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भी दिया वोट। गरियाबंद के घोर नक्सली क्षेत्र में हुई जबरदस्त वोटिंग, संवेदनशील क्षेत्र में हुई 80% वोटिंग। मतदान खत्म होने के बाद बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। रायपुर में पद्मश्री मदन चौहान ने किया वोट, दिया वोट। राजा तालाब मतदान केंद्र पर किया मताधिकार का इस्तेमाल। इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।